Dipanika Gupta. I'm a student of DAV International School. I'm from non-medical stream and I have scored 99.2% in CBC Class 12 examinations. I'm very happy and I want to thank the Almighty, my parents, my principal, Dr. Anjana Gupta ma'am, my grandparents, my teachers, and I owe all my success to my dedicated and hardworking teachers for giving me their constant support always. And I also want to thank my principal for always being there, for encouraging us to achieve the impossible, and I'm very happy. I just want to say that to all the students that believe in yourself and be regular in your work and you can achieve anything. My name is Ishita Shugur. How much percentage? My 95% in medical. कैसा लगा? मेरे को एक्सपेक्टेड ना था. सुबह मेरे को मेरे पापा ने बताया कि स्कूल से फोन आया ना, आई वाज नॉट, नहीं ये इतनी आगे आ नहीं सकते, बिकॉज वी वर, हमारा बैच बहुत डिफरेंट था बाकियों से, बिकॉज हमने सारा ऑनलाइन पढ़ा. हमारे 1.5 ईयर्स ऑनलाइन में ही चले, हमारे टीचर्स ने हेल्प की, उसके कारण ही इतना हो पाया. पेपर वो तो ऑनलाइन ऑफलाइन में, फर्स्ट जैसे हमारी प्लस वन वॉज ऑल ऑनलाइन और प्लस टू भी हाफ हमारी ऑनलाइन थी, तो उस टाइम तो फोकस में रहना इज वेरी डिफिकल्ट. बहुत फोकस, एक दूसरे को हमने मोटिवेट करना, खुद मोटिवेटेड खुद भी रहना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट. वो टीचर्स और पेरेंट्स थोड़ा बहुत पुश करते रहते थे, इसके कारण नहीं हो पाया. और अपने फ्यूचर स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही, द फोकस सबसे ज्यादा जरूरी है, और दूसरा तुम्हारा हार्ड वर्क. फोकस और हार्ड वर्क के बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते. 98.2% है. कैसा फील हो रहा है? बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, काफी मेहनत के बाद यहां पर पहुंचे. कितनी देर मतलब की पढ़ते हो आप? मैं जो है टाइम देख के नहीं पढ़ा, मैंने हमेशा काम को देख के पढ़ा कि काम जितने टाइम में भी कंप्लीट हो जाए, टाइम नहीं देखा. और जो ऑनलाइन हुए थे पहले, अब ऑफलाइन कुछ डिफरेंस पड़ा, उन्हें कुछ डिफिकल्ट हुआ तो इसमें? हाँ, मतलब ऑफलाइन में पढ़ना तो ज्यादा पड़ता है, ऑनलाइन में भी पढ़ना पड़ता है. जिन्होंने पढ़ा है उनके मार्क्स आए हैं, और बस यही है, बस अच्छे से पढ़ना चाहिए. और आगे फ्यूचर सोच रहे हैं? फ्यूचर में मैं बीकॉम ऑनर्स की तरफ जाऊंगी, और साथ में मैं ACCA करना चाहूंगी. घर वालों का सपोर्ट कैसा है? बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उन्होंने, कभी कुछ भी करने के लिए नहीं कहा है, सब कुछ दिया है उन्होंने, बस लाके जैसे जो काफी कोर्सेज वाले बोलते हैं कि हमारे पास आ जाओ, ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ NCERT पढ़ो और अच्छे से करो. नहीं, सारा कुछ नॉर्मल है, अपने आप खुद करोगे तो हो जाएगा सारा कुछ, ऐसी कोई बात नहीं. कुछ मेमोरीज आपके स्कूल की? कुछ मेमोरीज तो बहुत सारी हम ऐसे बताई नहीं जा सकती, लेकिन हाँ, ये जो फ्रेंड्स होते हैं ना, मतलब वो सबसे बेस्ट है. उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करो वो बहुत कम. और टीचर्स का कैसा था? टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया. ये जो ऑनलाइन सिस्टम आया है उसके बाद टीचर्स ने एक दिन भी मतलब रुके नहीं है, और जितना भी कोई भी इशू हो, नेटवर्क इशू भी हो, लेकिन उन्होंने सारा कुछ अच्छे से पढ़ाया. सारा काम तो फोन पे ही हुआ. मैं अंजना गुप्ता, DAV इंटरनेशनल स्कूल तो बोल रही हूँ. अज का दिन खुशियां भरा दिन है. साड़ी बच्ची दीपानिका गुप्ता, जिन्हें कि पूरे अमृतसर जिले च टॉप किया है, तो 99.2% ली है, तो मैनू तो स्कूल नू बहुत बहुत प्राउड फील कराया है. मैं सबनों मुबारकबाद दिनी हाँ, तो स्पैशली बच्चे नू, उदे पेरेंट्स नू, सारे टीचर्स नू, मेरे वालों बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनावां, तो बहुत बहुत मुबारक. स्टूडेंट्स नू मैं यही मैसेज देना चाहनी हूं कि बच्चों खूब पढ़ो, अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम मैनेजमेंट करो, ते स्ट्रेस मैनेजमेंट दी टेक्निक्स भी सीखनिया है. इधर उधर जो तुसी परेशान हुंदे हो, ते इधर उधर भज्जन की जगह अपने पेरेंट्स या वेल विशर्स नू अपनी प्रॉब्लम नाल डिस्कशन दे विच उन्हां नू इनवॉल्व करो, ते प्रॉब्लम दा सोल्यूशन कढ़ो, ते हमेशा खुश रहो, ते हेल्दी रहो.